सॉफ्टवेयर करूं, जैसे कि कई लोगों ने मुझे बोला सर मुझे रेविट करना है, कई लोगों ने मुझे बोला मुझे 3ds मैक्स करना है। अब इससे लोग कंफ्यूजन में पड़ गए कि यार मैं कौन सा करूं और कौन सा ना करूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको तो क्लियर 110% हो जाएगा कि आपको कौन सा करना चाहिए। मैं आपको बता दूं दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन है। अगर मैं बात करूं 3ds मैक्स की, तो 3ds मैक्स का जो रेंडर क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर वीरे नाम का प्लगइन ऐड हो जाता है और उससे बहुत ही अच्छी तरीके से रेंडर की क्वालिटी आ जाती है। तो ये समझिए कि अगर आप सिर्फ रेंडर का आपका काम है, सिर्फ अच्छे अच्छे व्यूज दिखाने आपको, तो डेफिनेटली आप 3ds Max को यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों 3ds Max के अंदर डायमेंशंस का प्रॉब्लम होता है, मींस डायमेंशंस में एक्यूरेसी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आप ऑटोकैड से फाइल लेके जाते हो और वहां पे लगाते हो और उसी से आप 3D मॉडलिंग तैयार करते हो। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं रैबिट आर्किटेक्चर का, तो एज ए सिविल इंजीनियर आपके लिए रैबिट आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा रहेगा। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है उसके अंदर आप 3D तो बना ही रहे हो, 3D के साथ उसका कहीं से भी सेक्शन काट सकते हो, कहीं से भी उसका एलिवेशन देख सकते हो, मतलब फ्रंट रियर किसी भी व्यू से देख सकते हो। साथ ही साथ उसमें बीम्स कॉलम्स ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। और रैबिट के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि रैबिट केवल रैबिट आर्किटेक्चर तक नहीं सीमित है, रैबिट स्ट्रक्चर भी है और रैबिट MVP भी है। तो तीन प्लगइन्स हो रहे हैं जो कि काफी बेहतरीन कर देते हैं आपके जो भी आपका सिविल का काम है, सारा का सारा रैबिट के अंदर कम्प्लीट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका काम यही है कि सिर्फ रेंडर करके देना है आपको किसी को, तो नो डाउट सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आपके लिए 3ds Max हो सकता है, क्योंकि 3ds Max के अंदर रेंडर, लाइटिंग ये सारे कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे होते हैं। लेकिन रैबिट आर्किटेक्चर जो है वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, उसके अंदर एग्जैक्ट प्लानिंग आप कर सकते हो, और एक प्लान बनाया 2D बनाया तो अपने आप उसका 3D क्रिएट हो जाता है। तो टाइम भी सेव होता है रैबिट आर्किटेक्चर के अंदर, उसके अंदर एस्टिमेशन जो हम कर रहे हो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाता है, और उसके अंदर हम लोग रेनफोर्समेंट वगैरह रैबिट स्ट्रक्चर का जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग रेनफोर्समेंट वगैरह डाल सकते हैं कि रेनफोर्समेंट कितना डालना है, स्पेसिंग कितना देना है, सब कुछ सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उसका MEP पोर्शन भी आपने सीख लिया तो समझिए कि आप A to Z मैक्सिमम काम आप रैबिट के अंदर कर सकते हो, और पूरा का पूरा बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लोगों को समझा सकते हो कि देखो ये कॉन्सेप्ट अगर कंप्लीट करना है तो किस तरीके से कंप्लीट करना है और क्या क्या चीजें इसके लिए करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर यूज करना चाह रहे हो, प्लानिंग भी देना चाह रहे हो क्लाइंट को, और डिटेलिंग भी, एलिवेशन भी और एस्टिमेशन भी सब कुछ देना चाह रहे हो, तो आप रैबिट के अंदर जाओ। और अगर आप का मोडो सिर्फ और सिर्फ मोडो ये है कि मुझे एक सिर्फ रेंडर करके देना और अच्छे अच्छे इमेजेस रेंडर करके देना है, तो आपके लिए दूसरा बेहतरीन सॉफ्टवेयर 3ds Max हो सकता है। दोस्तों 3ds Max भी काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर आपको पता है कि बैकग्राउंड में कैसे बनाना है, बट क्लाइंट को क्या पता हो, क्लाइंट को एक अच्छा घर दिखना चाहिए और वो घर से अट्रैक्ट होता है फिर आपको प्रोजेक्ट दे देता है। तो अगर रेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 3ds Max बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा नहीं कि रैबिट आर्किटेक्चर का रेंडर अच्छा नहीं है, उसके अंदर भी अभी नए नए प्लगइन्स आ चुके हैं, तो वो प्लगइन्स को ऐड करके अभी तो मेंटल रे से आप रेंडर कर सकते हो इसके अंदर, तो काफी बेहतरीन अभी रैबिट के अंदर भी रेंडरिंग होने लगी है। लेकिन अगर मैं वोट करूँ 10 out of 10 तो रेंडर के क्वालिटी में 10 out of 10 अगर मैं दूँ तो 3ds Max को मिलेगा, और 8 मैं दूंगा रैबिट को। लेकिन रैबिट के अंदर जो दूसरी फैसिलिटीज है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो रैबिट है वो 10 में से 10 है उसका पॉइंट, और जो आपका 3ds Max है उसका 10 में से 6-7 हो जाएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाह रहे हैं। आप एज ए सिविल इंजीनियर पढ़ना चाह रहे हैं, एक्यूरेसी देखना चाह रहे हैं प्लान के अंदर, 3D मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 3ds Max के न सीख के रैबिट आर्किटेक्चर पे जाइए, रैबिट स्ट्रक्चर पे जाइए, रैबिट MEP पे जाइए। और अगर आप लोग कंफ्यूजन में थे कि नहीं मुझे सिर्फ रेंडर चाहिए था और अच्छे अच्छे रेंडर चाहिए, तो नो डाउट आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर 3ds Max है। और 3ds Max के अंदर आप गेमिंग का भी काम कर सकते हो, एनिमेशन का काम कर सकते हो उसके अंदर, उसके अंदर आप इंटीरियर का काम कर सकते हो, मतलब इंटीरियर रूम्स बनाने वो कैसे बनाने वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो दोनों सॉफ्टवेयर अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। तो अभी आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि आपको 3D मॉडलिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। अगर मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं तो अगर आप बिगनर हैं, मतलब सॉफ्टवेयर से आप यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो रैबिट आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर से यूजर फ्रेंडली हैं तो आपके लिए 3ds Max ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि 3ds Max के अंदर रेंडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। होप अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इतने लोगों ने मैसेज किए थे तो मैंने सोचा एक वीडियो के फॉर्म में मैं सब तक ये बात पहुँचा देता हूँ कि रैबिट आर्किटेक्चर का क्या यूज है और 3ds Max का क्या यूज है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। साथ ही साथ प्लीज़ मेरे अभी 10K होने वाले हैं जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और करीब करीब शायद 30-40 सब्सक्राइबर की नीड है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 10K हो जाएंगे। और थैंक यू सो मच मेरे 10K जो फैमिलीज है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। वंस अगेन जय हिंद जय भारत।